धमतरी में क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जहां ईसाई धर्म के अनुयायियों को प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई गई। पदाधिकारियों ने बताया कि देवपुर में ईसाइयों पर धर्मांतरण के झूठा दोषारोपण कर उन्हें असंवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। वहीं पदाधिकारियों ने कलेक्टर से समस्या के समाधान की मांग की। और बीते 10 वर्षों से वहाँ पर मसीह आराधना चलती है, और जब से वहाँ पर बजरंग दल का गठन हुआ है तब से वहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है। और जो हमारे जो प्रार्थना करने के लिए जो लोग प्रार्थना भवन में आते हैं उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, बीच रास्ते में रोककर उनको पूछा जाता है कि यहाँ नहीं आना, तुम कहीं भी चले जाओ वैसा करके। तो वो गांव केवल उन्हीं लोगों का नहीं है, वो गांव सब का है। अगर हम वहां पर रहते तो हमारा है। और मैं जब अपनी निजी भूमि में हमारी प्रार्थना चलती है तो इनको क्या समस्या है। हम यही चाहते हैं कि वहां पर जब हम रहते हैं तो हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ वहां पर हमें प्रार्थना आराधना करने की छूट दिया जाए। और यहाँ पर हम लोग एक विशेष विषय को लेकर कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, और ये विषय है कि इन दिनों ये छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर धमतरी जिले में जो चरमपंथी जो विचारधारा है, वो चाहे राजनीतिक दल हो चाहे वो कोई संगठन हो, आजकल मसीहों के ऊपर सोझी समझी वो दोष लगाते हैं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं और हमारे पास्टरों के विरुद्ध में झूठी शिकायत करते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों देवपुर की घटना घटी, ये देश जो है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। ये सच है कि इस देश में हिंदू धर्म के मानने वाले बहुसंख्यक हैं, लेकिन इस राष्ट्र का धर्म हिंदू नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार होता है, समान स्थान है फूलने फलने का। और देश का संविधान, उसका जो 25वां जो खंड है, हमें सबको भारत के किसी भी नागरिक को अपने मन के अनुसार धर्म चुनने का, पालन करने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है।